हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन किचन। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल की कचौरी। वैसे तो मूंग दाल की कचौरी सभी घरों में बनती है, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी कचौरी एकदम हलवाई स्टाइल खस्ता और एकदम फुली फुली कचौरियाँ बनेंगी। वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल की कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी मूंग दाल। इसका मेजरमेंट करने के लिए आप घर पर किसी भी कटोरी या कप से इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। ये ग्राम में 500 ग्राम है। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से हल्के हल्के हाथों से रगड़ कर धुल लेंगे। इसको हमने 3 से 4 बार अच्छे से साफ पानी से धुल लिया है और अब इसको भिगो कर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। मूँग दाल की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। ये हमने लिया है 3 कप मैदा। यहाँ पे मैं पूरा मैदे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं हलवाई स्टाइल में बता रही हूँ, हलवाई लोग मैदे का ही यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पूरा आटा भी यूज कर सकते हैं या तो फिर आप इसको हाफ हाफ कर सकते हैं, आधा मैदा आधा आटा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। ये अजवाइन है, इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे मैदे में फ्लेवर अच्छा आएगा और कचौड़ी एकदम बढ़िया बनेगी। अब इसमें मोयन के लिए डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि इसमें मोयन परफेक्ट है कि नहीं। अब इसको ऐसे हाथों से बाइंड करेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब मोयन इसमें एकदम परफेक्ट है। अब इसका हम एकदम सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम आटा तैयार करेंगे। ये देखिए, इसका आटा हमने गूंथ लिया है। इसका आटा सख्त बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, बिल्कुल इस तरह। अगर इसका आटा हम टाइट गूंथ लेंगे तो इसकी कचौड़ी बनाने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका आटा सॉफ्ट ही गूंथना है। अब इसको हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। ये गीला कपड़ा लिए हैं, इसको हम ढककर रख देंगे इसको। इसको भिगोए 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, दाल अच्छे से फूल चुकी है। इसको बहुत टाइम तक नहीं भिगोना है, बस 2 से 3 घंटे। और इसको ऐसे दबा के हाथों से चेक करेंगे। देखिए, ये दब रही है अच्छे से, इसका मतलब ये एकदम अच्छे से फूल चुकी है। अब इसका हम पानी छान लेंगे सारा। इसका अब सारा पानी हमने छान लिया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसको बहुत महीन नहीं पीसना है, इसको एकदम दरदरा पीसना है। बस आधा पीसा रहे, आधा खड़ा खड़ा रहे दाल इसकी। ये देखिए, दाल को हमने पीस लिया है। इसमें पानी डालकर नहीं पीसना है, इसको सूखा ही पीसना है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं पीसे हैं, ये दरदरा एकदम दाल पिसा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह पीसना है। ये हमने लिया है मिक्सर ग्राइंडर। इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्च, 2 चम्मच सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इसका हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। पैन को हमने गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप इसकी जगह कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग,
और जो मसाले हमने दरदरा पीस के तैयार किया है उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे एक मिनट के लिए। इसको हमने एक मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कचौरी का मेन इंग्रेडिएंट्स, 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने से क्या होगा कि स्टफिंग में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और साथ में कचौरियों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। लो फ्लेम पर इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। बेसन डालने से एक और फायदा होगा कि दाल डालने के बाद स्टफिंग में जो भी मॉइस्चर होगा वो सारा बेसन अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जब हम कचौरियों में स्टफिंग भरेंगे तो कचौरियाँ खुलेंगी नहीं और बिखरेंगी नहीं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, आप इसको कूट कर भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे दरदरी पिसी हुई दाल, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक इस दाल का सारा गीलापन खत्म होने तक भून लेंगे। इसको हमने 5 से 7 मिनट भून लिया है और दाल का सारा गीलापन खत्म हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी की जगह आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लो फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट तक भूनना है ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। इसको बराबर चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लें। इसको हमने भून लिया है और ये देखिए, ये एकदम खिला खिला ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार हुआ है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तेल को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल गर्म हो रहा है, ये स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। तब तक इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं नींबू के साइज का। ये देखिए, इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, सारे बॉल हमने बना लिए हैं इसके। अब हम कचौरियाँ भर लेते हैं। आटा रेस्ट कर लिया है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम आटा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा और मसल के सान लेंगे। अब इसकी हम लोइया तोड़ लेंगे। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे। लोइया हमने तोड़ ली है, इसको हम अलग निकाल लेते हैं। और ये जो आटा बचा हुआ है इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथों से ऐसे रख के स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से ऐसे ऐसे फैलाएंगे, ये बीच में मोटा रहे, और कॉर्नर पे एकदम पतला पतला कर देना है ऐसे।
अब इसमें एक बॉल उठाएंगे और इसमें रख कर इसको हाथों से धीरे से प्रेस करेंगे और ऐसे इसको थंब से अंदर दबाएंगे और साइड से दबाते हुए ऐसे ऊपर खींचेंगे इसको। ये देखें, और इसका ये ऊपर वाला भाग हम इसको ऐसे घुमा के कट कर देंगे और फिर से इसको ऐसे दबाएंगे और इसको बीच से प्रेस करेंगे, हाथों से ऐसे रख के बीच से प्रेस करना है। ये देखिए कचौरी एकदम बन गई परफेक्ट। हम रख देंगे अलग, इसी तरह हम दूसरा पेड़ा उठाएंगे और फिर इसी तरह बना लेंगे इसको भी। वो हाथों से गोल गोल घुमाएंगे और फिर ऐसे ऐसे इसको फैलाना है। इसको बीच में मोटा रखना है, बीच में पतला नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पर इसको धीरे धीरे ऐसे पतला बनाना है। फिर ऐसे इसको बीच में ऐसे थंब से दबा के बीच में गैप करना है। ये देखिए इस तरह। अब फिर से एक बॉल उठाएंगे इसको और इसमें डाल देंगे और इसी तरह इसको ऊपर खींचते हुए धीरे धीरे थंब से नीचे दबाएंगे इसको बॉल को और फिर इसको ऐसे खींचते हुए इसको अच्छे से सील कर देंगे। ये देखिए अब इसको हम ऊपर से कट कर देंगे इतना और फिर से इसको हाथे से गोल करके और इसको सेंटर से दबाना है। इसको इस तरह से हाथों से फैला देंगे बराबर। ये देखिए इसको हम बेलन से नहीं बनाएंगे, आप चाहें तो इसे बेलन से बना सकते हैं, ये हाथों से ही बहुत अच्छा फैल जाएगा। ये देखिए एकदम बहुत अच्छी कचौड़ी बनी हुई है। अब इसी तरह हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। ये कचौड़ियाँ हमने बना ली हैं, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म तेल है। ये देखिए बहुत ज़्यादा कचौड़ियाँ एक साथ नहीं डालेंगे, इसमें जितना स्पेस है उतना ही डालेंगे ताकि अच्छे से फूलें। ये देखिए ये तैर कर अपने से ऊपर आ गई है, अब इसको हम धीरे से पलट देंगे। ये देखिए एकदम फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हुई हैं, सुनहरे रंग होने तक इसको अच्छे से तल लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर सुनहरे रंग होने तक तलेंगे। ये देखिए ये सुनहरे रंग में हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए एकदम फुली फुली कचौड़ियाँ बनी हुई हैं, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी कचौड़ियाँ इसी तरह बनेंगी। अब इसी तरह हम सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। ये देखिए ये कचौड़ियाँ एकदम खस्ता बनी हुई हैं और एकदम फुली फुली। ये देखिए एकदम खस्ता कचौड़ी है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।